मिल में जहाँ पे देखो पूरी यहाँ पे चंदन की बगीचा लगी हुई है। ये बड़ी वाली पेड़ नहीं है, बड़ी वाली पेड़ नहीं है, ये छोटी वाली छोटी छोटी पौधा लगी हुई है ना जो, उसमें पूरा चंदन के। एक सेकंड चलो पास से दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई रोड बिल्कुल है ही नहीं, और ऐसे ऐसे जगह से ट्रक ड्राइवर गाड़ी निकालते हैं, तो भाई ट्रक ड्राइवरों को रिस्पेक्ट किया दिया करो। अगर तुम आ गए यहाँ पे अगले साल मेरे मछलियाँ पलेंगी, समझ रहे हो ना, मैं और संदीप और राजेश तीनों मिलके यहाँ मछली पालेंगे, मछली पालन करेंगे इस रोड में। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत है, मैं स्ट्रक ब्लॉग में। सो गाइस कैसे हो सारे के सारे, आई होप सारे ठीक ही होंगे। सो गाइस तुम्हारा भाई सीमेंट भर के आया था रामको सीमेंट से, जो कि ना यहाँ पे आगे कोरा कोट पार्क में खाली कर दिया। बाकी चेक कर सकते हो, ये रहा कोट पार्क, और कल वाली पेट्रोल पंप ये रही जिसमें अभी तक खड़े हैं। बाकी ये चेक कर लीजिए सामने का एरिया, इधर जगदलपुर हो जाता है, इधर विशाखापट्टनम हो जाता है, इधर उड़ीसा हो जाता है, इधर जगदलपुर हो जाता है, समझ रहे हो, रायपुर भी हो जाता है। सो गाइस गाड़ी वाड़ी तो फाइनली अपनी पूरी की पूरी अनलोड हो चुकी है, अनलोड करके कल से यहाँ पे खड़े थे, क्योंकि सेठ बोल रहा था माल बताऊंगा, माल मतलब सेठ बोल रहा था नहीं सॉरी भैया बोल रहे थे, सेठ बोल रहे थे मतलब कि माल बताऊंगा वहीं पे खड़े रहो, कहीं हो सकेगा तो बोरी घुमा इधर से कहीं से माल लोड करवा दूंगा, नहीं होगा तो बात होगा जहाँ वहाँ पे जाना। तो मैं बोला ठीक है, कल खाना वाना बनाया खाए यहाँ पे, सो गए बढ़िया, पड़े हुए थे यहाँ पे। तो आज फाइनली भैया का फोन आया, समझ रहे हो ना कितना टाइम हो रहा है, अभी 9 बजे भैया का फोन आया। भैया बोले कि ना सोनारपाल चल दो यहाँ से, वहाँ पे अपना मक्का लोडिंग के लिए बचा हुआ है, समझ रहे हो ना, वहाँ से लोड कर लेना आंध्रा का, फिर निकल जाना। तो मैं बोला ठीक है, बाकी मैं ना अभी सुबह सुबह जस्ट नहा धोवा के आया, बाकी चेक कर सकते हो, तुम्हारा भाई नहाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि ना तुम्हारा भाई आज कल व्लॉगिंग कर रहा है, समझ रहे हो ना, तो व्लॉगिंग करते टाइम भाई रोज वाली सुअर वाली काया लेके पहुंच जाएंगे कैमरे के सामने, तो ऐसा थोड़ी होता है, ऑडियंस भी देखेगी भयंकर बोलेगी, हटा बोलेगी, तभी चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, रीजन अब मेरे को पता चला। सो गाइस ये सारी मजाक की बातें, मजाक की बातें को साइड में करते हैं, अभी जस्ट मैं नहा धोवा के आया और अबुलेश गया नहाने, भैया का फोन करने से पहले अबुलेश गया नहाने, यहाँ से लुकिंग ग्लास मिनर में दिख रहा होगा पीछे साइड में नहा रहा है, मेरे को हल्का हल्का दिख रहा है, समझ रहो। बाकी देखो यहाँ पे मेरा वीडियो भी अपलोडिंग करने जा रहा था, तब तक भैया का फोन आ गया, वीडियो वीडियो अपलोड कर देते हैं बढ़िया, और यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं मक्का लोड करने, देखते हैं लोड कब तक होता है, सोनारपाल भाई अपना एरिया है, चलते हैं बातचीत करते हैं, नहीं भी लोड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लोड भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तुम व्लॉग में बने रहो, व्लॉग को देखते रहो, काफी ज्यादा इंटरेस्ट। अभी अबुलेश भी नहा धोवा के आ चुका है, चेक करो ये भी नहा लिया, मैं भी दोनों जन नहा धोवा लिए, अच्छा हुआ नहा धोवा लिए, इसीलिए माल मिल गया गाइस, समझ रहे हो ना, नहीं नहा रहे थे तो माल नहीं मिल रहा था। सो डियर गाइस फाइनली तुम्हारा भाई लेके निकल चुका है, समझ रहे हो ना, गाड़ी को लोडिंग पॉइंट के साइड, यहाँ से लोडिंग पॉइंट नहीं बोलते बोलते 50 से 60 किलोमीटर 60 से 70 किलोमीटर दूर होने वाला है, तो चलते हैं। बाकी ये चेक करो, ये रहा अपना उड़ीसा, उड़ीसा बॉर्डर आगे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर आएगा अपना नगरनार के पास में, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 12 किलोमीटर है, तो चलते हैं बॉर्डर वॉर्डर पार करते हैं, उसके बाद में चलते हैं लोडिंग पॉइंट में, चल के अपडेट देते हैं आप लोगों की क्या मीटर है, आज लोड होगा कि नहीं, अगर नहीं लोड होगा तो कुछ बढ़िया सा खाना बनाएंगे और रेसिपी को आपके साथ शेयर करेंगे, अगर लोड होगा तो लोडिंग करवाने में बिजी हो जाएंगे तो ढाबा डूबी में खा लेंगे, तो ठीक है दोनों तरफ से अपना ही कौन। सो गाइस तुम्हारा भाई फाइनली मिल में पहुंच चुका है, समझ रहे हो ना, गाड़ी वाड़ी लेके, बाकी चेक करो ये रहा सामने मिल भाई, सामने गेट है, सामने साइड से घुसे कांटा कराए और जस्ट थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, बाकी ये चेक करो तुम्हारा भाई जो पहले गाड़ी चलाता था 92-55 वो भी लोड हो रही है यहीं पे भी है, और यहीं से एनजेस भी अभी गाड़ी लोड करके निकले, ठीक है, तो अपना आज लोड हो जाएगा, आज का पूरा चांस है, बोल रहे हैं कि आगे अभी 2 गाड़ी लगा हुआ है और 1 गाड़ी आंध्रा का उधर बचा हुआ है जो कि सामने खड़ा, और 1 गाड़ी मेरा, ये दोनों गाड़ी एक साथ मिलेगा लोडिंग हो जाएगा, समझ रहे हो, तो अपना गाड़ी लगने में अभी आधा 1 घंटा टाइम है, समझ रहे हो, तब तक हम लोग खाना वाना बना लेते हैं। बाकी चेक करो तुम्हारे भाई का, ये आया चिकन और वो आया चावल, समझ रहे हो, एक चीज़ बता दूँ, मेरे को अंजेस भैया बोल रहे थे ये कंपनी ये मिल के अंदर नॉनवेज बनाना मना है, बट पता नहीं यहाँ तो अपने को ऐसा कोई कुछ बताया नहीं, तो अपन बना दे रहे हैं। बाकी ये देखो अबुलेश चावल बैठा रहा है, बाकी ये सामान लिए देखो, ये तो हो गया अपना चिकन, काफ़ी तगड़ा चिकन इस बार मिला है अपने को, और ये रहा धनिया पत्ता लहसुन टमाटर, और ये रहा अपना हरी मिर्ची, ये सबको बढ़िया से अच्छे से कटिंग करेंगे। बाकी ये चेक करो, उन लोग भी सामने गाड़ी में खाना बना रहे हैं, बाकी मिल तो काफ़ी बड़ा है भाई, देखो पीछे में पूरा एरिया मिल का है, बाउंड्री है पूरा, बाकी इधर ये देखो ये धूप का पेड़ जो खुशबू नहीं देता है, जिसमें ना ऐसे सांप मुंडी निकाले निकाले टाइप का ऐसे पूरा गोल रहता है, फल निकलता है कि ऐसा लगता है सांप का छत्तर है पूरा, वो वाली पेड़ भी इधर लगी हुई है पूरा, काफी तगड़ा मिल है। तो गाइस खाना वाना बनाते हैं, बाकी व्लॉग में बने रहो, आज का अपना स्पेशल चिकन रेसिपी होने वाला है, तो बनाते हैं फिर भी। सो गाइस अभी तुम्हारे भाई का नंबर आ चुका है, तुम्हारा भाई जा रहा है गाड़ी लगाने के लिए अपना, समझ रहे हो, सामने एक अपनी कंपनी की गाड़ी है जो कि मैं पहले चलाता रहा, उसमें थोड़ी सी माल कम है तो कांटा पे खड़ी खड़ी डाल रहे हैं, उसके बाद डालने के बाद ना सीधा मैं लेके निकलूंगा कहाँ पे, अपनी गाड़ी लगाऊंगा इधर में गोडाउन है ये व्हाइट वाली घर में बड़ी वाली बिल्डिंग में। बाकी चेक करो गाइस अपना चिकन बनना रेडी हो चुका है, इधर प्याज व्याज गला रहा है, नमक वमक डाल के, समझ रहे हो, पूरा चीज़ मसाला गल रहा है, प्याज गल रहा है, बाकी चिकन ये रेडी हो गया है,
मसाला वसाला गलेगा, प्याज गलेगा, उसके बाद में ना हम लोग चिकन उकन बनाएंगे। लेकिन ना इधर थोड़ा नॉनवेज अंदर में बनाना मना है, इसलिए ना थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ। तो आलू गोभी का सब्जी बोल देंगे बना रहे हैं, कोई पूछेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई अंदर घुस के थोड़ी ना देखेगा आटा वीटा बना रहे। तो इस गाड़ी वाड़ी लगाने के बाद मिलते हैं बाकी ब्लॉग में। सो गाइस, अभी तुम्हारा भाई ना मिल विल आ गया था, समझ रहे हो ना, मिल आके ना खाना वाना बना रहे थे ना। एक चीज तुमको दिखाना है जो कि ना मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, समझ रहे हो। लेकिन इसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता था, लेकिन देख पहली बार रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिल में आया हूँ लोडिंग करने, पूजा राइस मिल में, जहाँ पे देखो पूरी यहाँ पे चंदन की बगीचा लगी हुई है। ये बड़ी वाली पेड़ नहीं है, बड़ी वाली पेड़ नहीं है, ये छोटी वाली छोटी छोटी पौधा लगी हुई है ना, जो उसमें पूरा चंदन के। एक सेकंड चलो पास से दिखाता हूँ, क्योंकि ना मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हूँ देख के भाई ये चीज़ ना। इसको ना ये पेड़ को ना बढ़ने में एक्चुअली ना 20 से 25 साल लगता है, ये पेड़ को पूरा तैयार होके बड़ा होने में, समझ रहे हो। और ये पेड़ अभी ये लेबर भैया लोग पूरा यहाँ पे जो हेमाल भैया लोग हैं लोडिंग वोडिंग करने वाले हैं, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। इन लोग बोल रहे हैं ना ये अभी 5 साल से लगा हुआ है, 5 साल के अंदर इतना ही बड़ा हुआ है। चलो मैं तुमको पास से दिखाता हूँ। तो इधर थोड़ा डर भी लग रहा है भाई, क्योंकि मैं सुना हूँ ना चंदन पे चंदन का पेड़ जहाँ रहता है ना, वहाँ सांप वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ना खुशबू उसका, और खुशबू और प्लस ना वो ठंडा पेड़ रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, समझ रहे हो ना, और खुशबू भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगल बगल एरिया के पूरे जो सांप रहते हैं ना, उनका क्या है, चंदन पेड़ का जहाँ रहता है ना, वहाँ पे उनका अड्डा बन जाता है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है सांपों को अपने साइड में। तो एक सेकंड मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ चंदन का पेड़। ये देखो, ये जो ये पेड़ है, ये छोटी वाली ये वाली, ये पेड़ है चंदन की, और ये पेड़ है चंदन की, ये पेड़ है, यहाँ पूरी बगीचा लाइन से लगी हुई है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक ये पूरी लाइन में बगीचा लगी हुई है। एक लाइन में मैं दिखा रहा हूँ कितना है। और एक चीज़ सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये पूरा लीगल है, इंडिया में कोई भी उगा सकता है इसको, इसको ये अनलीगल नहीं है, इसको कोई भी उगा सकता है। सरकार बल्कि बोलता है भाई कि चंदन के पेड़ लगाओ, उसको तैयार करो, लेकिन काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाते क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, 20 से 25 साल का समय लग जाता है, इसलिए ना बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो खाना बनाने अपन बैठे हुए थे तो लेबर भैया के मुँह से मैं सुन लिया, वैसे ना सांप अभी यहाँ पे तो नहीं आए होंगे, क्योंकि ना अभी इसमें खुशबू नहीं आया इस पेड़ में, अभी ये पेड़ बच्चा है, अभी 5 साल इसको हो गया, 5 साल में देखो इतना ही तैयार हुआ है। ये भी है देखो, ये कोई कोई सी थोड़ी बड़ी हो गई है, जैसे कि ये वाली है, एक सेकंड पास चल के दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये वाली है, ये बड़ी हो गई है और ये छोटी हो गई है। तो अपने अपने समय के साथ सब बड़े हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसमें अभी सांप नहीं है क्योंकि ना इसमें अभी खुशबू नहीं आया है, ये 5 साल हो गया है लगाए हुए, और 5-1 साल और रहेगा तो 10 साल बाद इसमें पहले खुशबू धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा, उसके बाद ये सांपों का अड्डा बनेगा। अब भी ना यहाँ से भी आके सुनने से ना हल्का हल्का बिल्कुल 0 पॉइंट आ रहा है, समझ रहे हो, ऐसे करके सूखने से खुशबू आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए अभी ना यहाँ पे सांप आप कीड़े मकोड़े नहीं दिखेंगे, तो इसलिए दिखा दिया। और एक चीज़ सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे कितनी सारी, बहुत सारा लगा है भाई, सोच नहीं सकते कितना लगा है। मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक लाइन में 10 है, और लाइन कितनी है देख लो यहाँ से, उधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 की लाइन है, ठीक है ना। उधर भी है लेकिन इक्का दुक्का, उधर में पूरी की इक्का दुक्का है, लेकिन यहाँ पे टोटल 120 पेड़ है भाई, समझ रहे हो ना। तो चंदन के 120 पेड़ एक साथ तैयार हो रहा है भाई, ये एक टाइम के बाद ना भाई करोड़ों छोड़ो अरबों का माल बन जाएंगे। मतलब 120 पेड़ अगर तैयार हो गए ना, यहाँ पे बोल तो रहे कि काफ़ी ज़्यादा लगाए थे, पूरा वो लास्ट तक लगाए थे, लेकिन उधर का कई सारा पेड़ मर गया, कुछ हो गया, लेकिन इतना सारा बच गया। तो ये इतनी बड़ी हो गई ना, 5 साल सर्वाइव कर ली ना, तो इसको कोई नहीं रोक सकता बड़ा होने से। अब ये ग्रो करना स्टार्ट हो चुकी है, इसकी ग्रोइंग अब बीच में कभी नहीं रुकने वाली। सो देख रहे हो गाइस, फर्स्ट टाइम मैं भी चंदन का पेड़ देखा, ये देखो ये पूरी चंदन की पेड़ है, फर्स्ट टाइम मैं भी लाइफ में देख रहा हूँ। और ये देखो, ये वाली एकदम अकेली है इधर में साइड में, तो भाई सो भाई अभी नाक में लगा के सुनने से एकदम थोड़ा थोड़ा खुशबू आता है, ये 5 साल बाद इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सो होगा इस, कैसा लगा देख के चंदन पेड़ का बगीचा, अच्छा ही लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करो और बताओ भाई ये सही में चंदन पेड़ है कि नकली वाला चंदन पेड़ है। वैसे मैं कन्फर्म कर दे रहा हूँ ओरिजिनल वाला चंदन पेड़ है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ से भैया लोग से पूरा पता चला कि ओरिजिनल वाला है। सो गाइस देख रहे हो, तुम्हारे भाई का गाड़ी लोडिंग के लिए लग रहा है और साथ में खाना भी बन रहा है। यहाँ पे रोड में देखो, रोड में पीछे निकाल के रखा हूँ, अंकल जी पीछे गाड़ी लगा रहे हैं, वो अभी लगाएंगे ना, समझ रहे हो। तो ना उसके बाद में ना अपना गाड़ी सीधा पीछे वो गोडाउन में जाएगा, इसलिए मैं रोड में लगा रखा हूँ, क्योंकि अंदर में ना बहुत ज़्यादा कीचड़ है, समझ रहे हो। तो अंदर में ज़्यादा इधर उधर करने का रिस्क नहीं लेते, जहाँ अच्छा रोड है भाई वहीं पे गाड़ी रख रहे हैं, क्योंकि बरसात में फंस जाता है भाई। ये देखो साथ में अपना चिकन भी बन रहा है, कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ये एक हाथ से गैस सिलेंडर सब हाथ से पकड़ के रख रहा है, जब मैं गाड़ी बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्पीड में हिल रहा है। सो भाई इस पीछे वाला गाड़ी पीछे जब करके कांटा में चढ़ा लेगा, तो मैं सीधा रिवर्स करके कांटा में चढ़ाऊंगा। जब तक ये देखो अपना प्याज गला के ना, बढ़िया प्याज व्याज गला है, मिर्ची उर्ची लहसुन वहसुन डाल के, गरम मसाला खड़ा मसाला,
उसके बाद में चिकन को डाल के और अच्छे से पका रहे हैं। जब चिकन पक जाएगा ना तो मसाला डालेंगे, तो मसाला डालने के बाद एक ही बार मिलते हैं मसाला डाल। सो गाइस तुम्हारा भाई का गाड़ी अंदर गोडाउन में पूरा लोडिंग के लिए लग चुका है कंप्लीट, पूरा ढाला वाला खोल के साइड कर दिया हूँ और उन लोगों को समझा दिया हूँ कैसे कैसे लोडिंग करना है। बाकी ये चेक करो ये गोडाउन के अंदर अपना, यहाँ पे अपना बढ़िया खाना होना बन रहा है। देखो यहाँ पे बढ़िया मसाला वसाला डाल दिए, मसाला वसाला डालते टाइम इसलिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ना मैं वहाँ पे गाड़ी लगाने में बिजी था ढाला वाला खोलने में, समझ रहा हूँ। तब तक इधर अब पुलिस मसाला वसाला डाल दिया, सबकी रेडी कर दिया तो अच्छे से गूंज रहा है। बाकी पीछे एक सेकंड चेक करा रहा हूँ, पीछे चेक करो गाइस, बढ़िया अपना लोडिंग स्टार्ट हो चुका है अंदर में। देखो अंदर में गोदाम है, यहीं पे माल है। तो लास्ट का दो गाड़ी बचा हुआ है लोडिंग के लिए, तो ओडिए गाइस। बाकी लोडिंग वोडिंग हो जाता है उसके बाद मिलते हैं। बाकी इधर खाना वाना भी बन गया, अभी खाना खाएंगे भी। तो खाना तो अभी जस्ट बना है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं नहीं तो मुँह जल जाएगा, फालतू कोई मतलब नहीं देगा। तब तक लोडिंग करवाते हैं। ये देखो अपना लोडिंग भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे माल डाल रहे हैं बढ़िया सीआर उला के एक नंबर तरीके से। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा माल नहीं है, लेकिन जितना माल है ना उतना में दो गाड़ी आराम से हो जाएगा। 31 टन मेरे को माल भरना है, तो मैं एक सेकंड बता दे रहा हूँ भैया लोगों को, छोटो बोरी डालना। सो आज अपनी गाड़ी वाड़ी ना पूरा अभी लोड हो चुकी है, अभी सुबह से शाम हो गया समझ रहे हो ना। रात भर गाड़ी चलाए थे बोल के, रात भर सॉरी नहीं चलाए थे पर दिन भर सो गए थे, पता नहीं क्यों। जब तक लोडिंग हो रहा था मैं सोया हुआ था, पता नहीं लेबर कब आए कब स्टार्ट कर दिए लोडिंग। भाई चेक करो ये रहा सामने मिल और सबकी गाड़ी लोड हो चुकी है, मेरी तो ऑलरेडी लोड हो चुकी है। ये चेक करो सामने में गाड़ी रस्सा तिरपाल अभी हो रहा है। तब तक ना मैं अबुलेस को बोला अबुलेस पानी भर ले, अपना तीन डब्बा है तीनों में ये पानी भर के लोड कर दे रहा है गाड़ी में, क्योंकि रास्ते में ना पानी का बहुत दिक्कत चल रहा है बरसात के टाइम में, पता नहीं कहाँ मिलेगा पानी कहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए अबुलेस को बोला भर के रख दे। इसलिए सामने में देख रहे हो भर रहा है और रस्सा तिरपाल भी हो रहा है। जैसे ही रस्सा तिरपाल हो जाएगा यहाँ से निकलेंगे जगदलपुर के लिए, जो भी बिल विल रहेगा इसका जगदलपुर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा कोई पता नहीं, लेकिन जब भी बिल मिलेगा तो गाड़ी को लेके निकल जाएंगे। सो देख रहे हो गाइस मौसम काफ़ी तगड़ा, अभी बारिश छूटा हुआ है दो मिनट के लिए इसलिए तुम्हारा भाई रिकॉर्ड कर ले रहा है। बाकी रोड को देखो खींच काज भाई पूरा रोड, ये रोड को छोड़ो जिस रोड से आए वो रोड देखोगे ना भाई पूरा पागल हो जाओगे, समझ रहे हो ना। चलो वो रोड दिखाता हूँ तुमको, यहाँ से निकलेंगे गाड़ी लेके तो वही रोड में जाएंगे और तुमको वही रोड दिखाऊंगा, देखना पूरा पागल हो जाओगे, इतना डेंजर रोड है। बाकी ये चेक तो गाइस अभी तुम्हारा भाई लोड करके गाड़ी को निकल चुका है जगदलपुर के लिए, समझ रहे हो। जो भी पर्ची पूछा होता है लेके, और एक इसका और पर्ची मिलने वाला है जो कि जगदलपुर में मिलेगा, आप पता नहीं हो क्या है मंडी है क्या है दुनियादारी। और मैं आप लोगों को पहले बोला कि भाई रोड दिखाऊंगा जब रोड में निकलूंगा, कैसा रोड है भाई सामने का रोड देखो भाई, मतलब रोड कम भाई, एक सेकंड वाइपर को मैं अपने बंद कर दूं, ये भाई रोड कम और क्या ज्यादा दिख रहा है देखो भाई। यहाँ पे भाई रोड बिल्कुल है ही नहीं, और ऐसे ऐसे जगह से ट्रक ड्राइवर गाड़ी निकालते हैं, तो भाई ट्रक ड्राइवरों को रिस्पेक्ट किया दिया करो। अगर तुम्हारे शहर कोई ट्रक ड्राइवर जाता है तो भाई तुम्हारे लिए जाता है, तुम्हारे भरोसे में जाता है भाई, उसका वहाँ पे कौन ही है। तुम्हारे शहर के डेवलपमेंट के लिए पहुँचता है ट्रक ड्राइवर, ट्रक को लेके माल को लेके हर कंडीशन में। सो चेक कर सकते हो गाइस बरसात का टाइम है और दोनों साइड खेती एरिया है, ये नहीं कि मैं हाईवे में चल रहा हूँ, कैसा जगह में चल रहा हूँ एक सेकंड मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो ये दोनों साइड खेती हो गया, पूरा खेती, इस साइड भी पूरा खेती हो गया देखो, और बीच से कच्ची रोड निकली हुई है भाई। ये रोड पहले की ऑलरेडी बन चुकी है मेरे को लग रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे एक सेकंड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक ब्लैक वाला ना डामर गिट्टी पड़ा हुआ है पूरा। तो भाई यहाँ पे पता नहीं समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे भाई कैसा रोड बना था जो कि उखड़ गया भाई। एक दो गड्ढे समझ आते हैं, ये जहाँ जहाँ पानी लगे हुए देख रहे हैं ना, यहाँ पे घुटना घुटना पर गड्ढा है, गाड़ी पूरा पलटे पलटे हो जा रहा है, समझ रहे हो ना। गाड़ी इतना झुक रहा है ना भाई, कलेजा एकदम अंदर से दहल जा रहा है कि भाई अब गिर ही जाएगा। तो लोगों को ये सबको समझना चाहिए भाई, रोड को बनवाना चाहिए इधर के ग्रामीण लोगों को भाई। दिक्कत किसको हो रहा है, ये गांव वाले को दिक्कत हो रहा है, हमारा क्या, हम तो एक बार आए हैं चले जाएंगे जैसे ना तैसे निकल के, लेकिन भाई डेली आपको आना जाना करना है यहाँ, समझ रहे हो ना, डेली आपको आना जाना सब चीज करना। तो भाई रोड वोड का थोड़ा ध्यान रखा करो। ये देखो ये समुंदर आ गया, यहाँ पे अगले साल मेरे मछलियाँ पलेंगी, समझ रहे हो ना, मैं और संदीप और राजेश तीनों मिल के यहाँ मछली पालेंगे, मछली पालन करेंगे इस रोड में। तो भाई देखो ये रोड कैसा है, ये देखो ना भाई, ये देखो कितनी पानियां लगी हुई है कीचड़ रोड में, ये कचरा देखो, ये रोड का कचरा देखो, ये देखो ये रोड है। तो देखे भाई कितना तगड़ा रोड है, गाड़ी बहुत ज्यादा झुक रहा है गाइस, तो मैं रखता हूँ निकाल के बाहर में मिलता हूँ।